विद्यार्थियों, आज की यह जो है बांसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः बीमा के बारे में पढ़ेंगे। बीमा हमारी चल रही थी, उसमें नेक्स्ट में आती है पृष्ठीय ऊर्जा। देखिए, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। क्या होता है भाई? ऊर्जा बटा होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ लगाएंगे हम बीमा किसकी, ऊर्जा की, जो क्या होती है भाई, ये होती है M1 L2 T-2। ठीक है भाई, ये इसकी बीमा होती है कार्य की और ऊर्जा की बात है, बटे में है क्षेत्रफल, ये हो जाएगी L2। ठीक है भाई, अब देखो ये भी L2, ये भी L2, यानी L0 हो जाएगी। आगे आ जाएगा ये M1 L0 T-2, ये इसका हो जाएगा बीमे सूत्र। मात्र अगर हम बात करें तो हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्र हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगेन आती है दाब गुण आयतन। यहां लगाओ दाब की बीमा। अगर आपको ध्यान हो, दाब यानी दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसकी बीमा निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो भाई, माना कि बीमा दाब की पता नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप पहले दाब की बीमा निकालो, जो क्या होती है बल बटा क्षेत्रफल से निकाल लेंगे इसकी बीमा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा क्या, लगभग बल की बीमा M1 L1 T-2 और लगाओ नीचे L2 क्षेत्रफल की बीमा, तो देखो ये आ जाएगा M1 L-1 और T-2, ये होती है दाब की बीमा। ठीक है, गुणा देखो आयतन, आयतन क्या होता है L3। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका M1। देखो भाई, ये L-1 है, ये L3 है, तो यहाँ L पावर क्या बचेगी, दो, तो M1 L2 और T-2, ये इसकी बीमा आ जाएगी। इसका हो जाएगा बीमे सूत्र। अगर मात्र की हम बात करें तो इसका हो जाएगा पास्कल इनटू मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा मात्रक। आगे आता है वेग श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। देखो ऊपर लगाएंगे बल की बीमा, जो क्या होती है M1 L1 T-2। ठीक है भाई, ये होती बल की बीमा, बटे में क्या है क्षेत्रफल, यानी आ जाएगा L2 और वेग प्रवणता। देखो वेग प्रवणता क्या होती है, वेग बटा दूरी, क्या होती है वेग बटा दूरी, और वेग में क्या होती है L1 T-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा L0 और T-1। अब इसको सोल्व करेंगे पर तो ये आ जाएगा आगे M1, देखो नीचे L2 है, L0 है, ये ऊपर जाएगा L2 क्या हो जाएगा माइनस में, M1 L-1 और ये T-1 नीचे ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा T-1। ठीक है भाई, देखो M1 L-1 T-1 और क्योंकि ये वाई पर जाए प्लस का हो जाएगा और ये किसका है, ये है माइनस, क्या बचेगा माइनस की घात बचेगी। मात्र की हम बात करें तो इसका मात्र आ जाएगा न्यूटन, बल का मात्र क्या होता है न्यूटन, बटे में आ जाएगा मीटर इनटू वेग प्रवणता, इसका मात्र होता है केवल 1/सेकंड प्रति सेकंड, इसका मात्र हो जाएगा। आगे हम बात करें प्रत्यास्थता गुणांक, जो क्या होता है प्रतिरोटा विकृति। प्रतिबल होता है, प्रतिबल जो होता है ये होता है बल बटा क्षेत्रफल, यह लगाएंगे प्रतिबल की बीमा, ये आ जाएगी वही सेम जो दाब की बीमा होती है, अभी हम बात कर रहे थे वो बीमा इसकी है, कि प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो आ जाएगा M1 L-1 T-2। विकृति भाई बीमाहीन होती है M0 L0 T-0, तो इनको सोल्व कर लेंगे भाई, यह आ जाएगा M1 L-1 और T-2
माइनस टू। ठीक है भाई, प्लांग लेता हूं। नेक्स्ट है ऊर्जा, ऊर्जा कार्य का तिलाय कार्य विमान एम वन एल टू टी माइनस टू, ये लगाएंगे कार्य की विमा। कि भाई ऊर्जा है कार्य है एक ही बात है, हम लगा दी यहाँ ऊर्जा या कार्य विमा, बट एम देखो आवर्ती की लगाएंगे, तो आवर्ती मतलब एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, इन्हें सोल्व कर लेंगे। ऊपर तो क्या है M1 है, नीचे M0 क्या रहेगा भाई, M1 रहेगा, L2 का L2, देखो ये T1 क्या हो जाएगा प्लस के ऊपर जाकर के, तो क्या हो जाएगा T की पावर माइनस एक बचेगी। मात्रा की बात तो जूल प्रति जूल, इसका होता है जूल तो हो जाएगा सेकंड, जूल इंटू सेकंड ऐसे मात्रा हो जाएगा। तो ये विमा हमने पढ़ी, जो पांच विमाएं हैं इनको आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।